अच्छा, क्या इसे देखकर अब आप एक शंकु बना सकते हैं? यदि आपको एक शंकु बनाने कहा जाए तो आपको क्या करना होगा? एक पेपर लीजिए और किसी भी त्रिज्या का इस प्रकार एक वृत्त काट लीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको पार्श्विज मिल रहा है, इसके लिए आपको इस वृत्त से एक त्रिज्या खंड इस प्रकार का काट कर अलग करना होगा। तो हम ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक त्रिज्या खंड खींच रखा है, इसे मैं काट कर अलग कर देती हूँ। ये देखिए, शंकु को बनाने के लिए, उसका जो पार्श्वपृष्ठ बनाने के लिए, पहले हम एक किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लिया और उसके बाद इस तरह से एक त्रिज्या खंड का टुकड़ा हमने अलग कर लिया। ये त्रिज्या खंड हमने काट कर अलग कर लिया है और ये जो पार्श्वपृष्ठ के लिए शंकु का इस तरीके का आपको पृष्ठी जाल मिलेगा, इसे हम घुमाकर इसे इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ लाइन बना लीजिए, ये ऐसा एक शंकु आप बना पाएंगे। यदि आप इस शंकु का आधार भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसका आधार, ये देखिए, ये जो आपको गोलाई दिख रही है, ये वृत्त ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। और किसी भी वृत्त को बनाने के लिए हमें उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो आप ये बताएं कि हम इस शंकु का जो आधार बनाना चाहते हैं उसकी त्रिज्या कैसे प्राप्त होगी? ध्यान से देखिए, हम जब इस कटिंग को जो हमको मिली है इसको जब घुमा रहे हैं इस प्रकार, ऐसे जब हम उसको घुमाते हैं, ये देखिए, तब हमें शंकु मिल रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त की परिधि है, आधार वाले वृत्त की परिधि। और ये जो है इस बड़े वृत्त की, जिसकी त्रिज्या, ये देखिए, ये इसकी त्रिज्या है। और यही आप ध्यान से देखेंगे तो इस शंकु के की तिर्यक ऊंचाई भी यही है। तो आप जब इसको घुमा रहे हैं तभी आपको वृत्त का आधार मिल रहा है, यानी कि इस चाप की जब लंबाई है, उस चाप की लंबाई ही हमारे आधार की परिधि है। तो इस चाप की लंबाई यदि हम ज्ञात कर लें तो हम इस शंकु के जो आधार है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चाप की लंबाई कैसे ज्ञात होगी? त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई के सूत्र से, और वो होता है थीटा बटे 360 गुणित वृत्त की परिधि। और ये वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πL। मैंने L क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो त्रिज्या हम ले रहे हैं यही हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम स्मॉल एल से बताते हैं। तो इस प्रकार हम इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा आधार का, आधार की त्रिज्या यानी कि आर। और उसका त्रिज्या से लेकर आप जब आधार खींच लेंगे तो इस शंकु का आप आधार भी इसमें बनाकर चिपका सकते हैं, और उससे आपको वैसे ही शंकु मिल जाएगा जैसा कि शंकु मैंने आपको बनाकर दिखाया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं शंकु के पार्श्वपृष्ठ के क्षेत्रफल, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और उसके आयतन की। तो ये जो शंकु है इसका पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, और इसका आधार यानी कि ये है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर देगा हमको पूरे पृष्ठ का यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसको हल करने पर मिल जाएगा पाई आर आर प्लस एल वर्ग इकाई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ पाई आर एल वर्ग इकाई। अच्छा बच्चों, यदि हम शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि आर, उसकी लंबवत ऊंचाई एच और उसकी तिर्यक ऊंचाई एल, इन तीनों में एक संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें, उसको समझने के लिए, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक तार है जिसे मैंने यहाँ 90 अंश से घुमा रखा है। ठीक है, और अब एक शंकु मैं इसको पहना दे रही हूँ, ये हमने इसे इस प्रकार पहना दिया, ये देखिए। ये अब आप इसको इस तरह से यदि देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां जो तार का मोड़ है वो आधार का केंद्र की तरह, यदि उसे देखें तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो आधार की त्रिज्या है यानी कि आर, और ये लंबवत ऊंचाई जो तार की लंबाई आप देख रहे हैं वो एच, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई वो स्मॉल एल,
ये तीनों भुजाएं मिलाकर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं। इन तीनों भुजाओं में यदि हमें कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो आप पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके आप उसको तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर तीरक ऊंचाई यानी कि एल निकालना है, तो उस स्थिति में मुझे इस आधार की त्रिज्या को नापना होगा, इस लंबत ऊंचाई एच को लेना होगा और उससे मैं ज्ञात कर लूंगी एल, क्योंकि फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण यानी कि यहाँ पे तीरक ऊंचाई एल, लंब यानी कि यहाँ पर लंबवत ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r, तो हो जाएगा l का वर्ग बराबर h का वर्ग धन r का वर्ग। तो l कितना हुआ? वर्गमूल में h का वर्ग धन r का वर्ग। इस प्रकार आप l का, h का और r का मान जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। इस पर आधारित सवालों को परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की, लेकिन उसे हम एक गतिविधि से समझेंगे।